जी हाँ दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ना वो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे ना उससे आप लोग रोज गुजरते होंगे। कैसे? जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकान में जाते हैं तो कोई भी जब हम सामान खरीदते हैं ना, आजकल फिक्स रेट का जमाना है, मतलब कोई कपड़ा खरीदेंगे उसमें फिक्स रेट लिखा रहता है। और रेट भी कैसे लिखा रहता है, देखिए आप कोई कपड़ा लेने गए उसका रेट लिखा रहता है 599, मतलब 599 रुपए। भाई इसको 1 रुपए जोड़ करके इसको 600 रुपए कर देना चाहिए था ना, नहीं करता। या फिर 2199 रुपए, मतलब इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि उसमें 1 रुपए जोड़ेंगे तो उसका मूल्य फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसको फिक्स रेट कहा जाता है। इसका मतलब यह है ऐसे करके क्या आप इसका जो कपड़ा खरीदते हैं तो 600 रुपए नहीं देते हैं, 600 रुपए ही देते होंगे, तो क्या उसको आपको 1 रुपए वापस करता है? पता नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस प्रकार जैसे 5999 रुपए का सामान खरीदा तो क्या उस दुकान वाले ने आपको 1 रुपए वापस किया है। यदि किया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन इस 1 रुपए के पीछे का राज क्या है। तो आइए आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही शानदार विषय है। जैसे आपको अक्सर कह दिया जाता है कि 0.99999 ये मेनी टाइम है, इसका जो मान है वो किसके बराबर है, क्या इसका मान जो है 1 से छोटा है? हमको तो यही लग रहा है कि 1 से छोटा है। तो आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और सिद्ध भी करने वाले हैं कि 0.99 का जो मान है वो 1 के बराबर है या बराबर नहीं है, या फिर छोटा है या फिर बराबर है। इन विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोल रखा ना कि आज का वीडियो बहुत खास है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सिंपल सी बात है, इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम बनाते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो यूनिक टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसे एक और प्रश्न है, अगर हम किसी संख्या को, ध्यान दीजिए किसी भी संख्या की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर हम 555 भी ले सकते हैं, किसी भी संख्या को हम शून्य से जब भाग देते हैं तो इसका मान कितना आता है आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि इसका मान हम फटाक से बता देते हैं कितना होता है, ऐसा ये क्या है, इन्फिनिटिव, मतलब इसके मान को हम अनंत लिख देते हैं। तो क्या ये सही है, किसी भी संख्या को हम शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत आता है ना? इसका मतलब तो ये हो गया कि 100 बटे शून्य और बराबर है 555 बटे शून्य, मतलब ये दोनों मान बराबर हो गया, मतलब इन्फिनिटिव जो लिखा जाता है यहां पर, ये क्या ये सही है? तो इसके लिए हम चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने जो प्रश्न लिखा है उसके आधार पर हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें। तो चलिए हम इसको कुछ संख्या मान लेते हैं, जैसे ये जो संख्या दिख रहा है इसे ही लेकर हम हल करेंगे कि ये जो है 1 से छोटा है कि क्या है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं x बराबर 0.99999 मिनट है, ठीक है, इसको हम बहुत बार लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, इस प्रकार के जो प्रश्न है इसको हम हल करना चाहें तो इसको हम किसी संख्या से भाग देंगे भाई, तो इसको हम किससे भाग दे सकते हैं, 2, 4 से दे नहीं सकते, इसको हम 3 से ही भाग देंगे। तो भाग देने का गणित में नियम है कि दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है, तो ये 0.9999 ये मिनट टाइम जो है इसको हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको भाग देंगे 3 से जाएगा, 3 बार जाएगा, 0.333333333 इस प्रकार ये मिनट टाइम होगा। तो चूंकि हम गणित हल कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब गणित के नियम के तहत हम एक चीज जानते हैं, रेकरिंग वाला, ठीक है। कोई भी संख्या, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी संख्या का जैसे 0.5 रेकरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0.5 ये जो 5 जो है बार बार आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि 0.3 है, इसको अगर रेकरिंग लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 3 3 3 ये मिनट है। और रेकरिंग हल करने का आपको एक तरीका पता होगा, जब भी हम रेकरिंग वाले जो सवाल होते हैं जैसे 0.3 है, इसको हम भिन्न में लिखना चाहें तो हम एक शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिएगा, जो संख्या दिख रहा है जिसमें रेकरिंग लगा हुआ है उस संख्या को तो आप ऊपर में लिख दीजिएगा, लेकिन कितने संख्या में रेकरिंग लगा है, एक ही संख्या में, मतलब 3, अर्थात 3 ही बार बार आ रहा है, तो उतना हम नाम नीचे में लगा देते हैं
और ये देखिए हमने इस रेगरिंग वाले संख्या को, मतलब जो संख्या दिख रहा है दशमलव वाले, दशमलव संख्या को हमने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। इसको हम जब हल करेंगे तो तीन एक कम तीन और तीन तिया नौ, मतलब ये जो मान है वो किसका है, इसका है। कहने का मतलब यह है हम एक बटे तीन को 0.3333 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां से हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने समीकरण नंबर एक बोल रखा है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक बटे तीन बराबर क्या लिखेंगे 0.33333, इस प्रकार हम मिनी टाइम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दो। अब गणित के नियम के तहत हम ये जानते हैं कि कोई भी जो समीकरण है, ध्यान दीजिए, समीकरण में यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं, और राइट हैंड बराबर हो तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ना, जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है मतलब ये वाला साइड को हम बराबर लिख सकते हैं। तो आइए यहां पर हम बराबर लिख देते हैं दोनों को, फिर देखते हैं कि वास्तव में इसका जो मान है वो कितना आता है। तो चलिए इसको हल करते हैं, यहां पर देखिएगा। और एक चीज और आपको बताने वाला हूं, फैक्ट चीज बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार है, उस फैक्ट को आप देखोगे ना तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि इसका मान जो है किसके बराबर होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, बहुत शानदार चीज अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें देखिए ये पक्ष बराबर है तो इनको हम बराबर लिख सकते थे, यहां पर क्या लिखेंगे एक्स बटे तीन बराबर क्या लिखेंगे एक बटे तीन, ठीक है। अब गणित के नियम के तहत सिंपल से हम संक्रिया लगाते हैं, और जब भी हम संक्रिया लगाते हैं तो समीकरण के दोनों साइड एक ही संक्रिया लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमने तीन से भाग दिया था तो दोनों तरफ तीन से भाग दिया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और गणित हल हो जाता है। तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों में ना, यहां पर देखिए एक्स बटे तीन है तो इसके दोनों पक्षों में यदि हम तीन का गुना कर दें, ये देखिए तीन का गुना कर दें, ठीक है, दोनों पक्षों में हमें करना है गुना, तो यहां पर एक बटे तीन यहां पर भी दिया है तो इधर भी यदि हम क्या करें तीन से गुना कर दें। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हो रहा है, ये तीन तीन कट गया, ये तीन और तीन कट गया, तो आपका एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, एक आ गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक्स का मान एक आ गया है। अब अभी मैं आपको एक और बेहतरीन चीज के तरीके से आपको ये सिद्ध करके बताने वाला हूं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए एक्स मान कितना आ गया, एक आ गया, और यहां पर एक्स का मान कितना माने थे हमने शुरू में 0.9999, मतलब इसको तो हम मिटा देते हैं। यहां पर देखिएगा हमने सिद्ध किया है उसके तहत एक्स का जो मान है वो एक आ गया है, और एक्स का मान कितना है, इतना है। इसका मतलब तो ये हो गया, जब x का मान इतना है और ये जो है हमने मान प्रूफ करने के लिए किया है, तो x का मान जब एक है तो एक यहां पर देखिए x की जगह अगर हम एक रख दें तो 0.9999 है ना मिनी टाइम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब 0.999 का जो वैल्यू है उसका जो मान होता है वो एक से छोटा नहीं होता है। ध्यान दीजिए इसका मान जो है एक से छोटा नहीं होता है बल्कि एक के बराबर होता है। जी हाँ, देखिए यहां पर हमने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि इसका जो मान है वो एक के बराबर है। अब इसको हम एक छोटे से बात से और समझने का प्रयास करते हैं, कैसे। देखिए अगर आप लोगों ने सुना होगा दशमलव के जो संख्या के तहत हम जब किसी संख्या को छोड़ते हैं, ध्यान दीजिए दशमलव की संख्या को जब हम लास्ट के अंक को छोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, और वो यदि पांच से अधिक है, पांच से अधिक है तो सामने वाली संख्या को एक बढ़ा देते हैं, ये हम जानते हैं। तो चलिए इस संख्या को मैं छोड़ना चाहता हूं, उदाहरण के लिए इस अंक को मैं छोड़ना चाहता हूं, तो सामने वाले अंक को हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। अब चलिए इसको आप एक बढ़ाकर देखिए कितना हो जाएगा, ये दस हो जाएगा तो दस का तो शून्य हो जाएगा, फिर दस में से एक हासिल इसमें आएगा तो ये भी दस हो जाएगा, दस में से हासिल एक इसमें आएगा ये भी दस हो जाएगा, दस में से एक हासिल इसमें आएगा तो ये भी दस हो जाएगा, शून्य यहां बचेगा और दशमलव के पहले चला जाएगा एक। तो इस विधि से भी हमने जब देखा तो एक ही आ रहा है। कुल मिला के ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में 0.999 का जो मान है वो एक से छोटा नहीं होता है बल्कि एक के बराबर ही होता है। इसीलिए जब आप किसी सामान को खरीदते हैं ना तो आपके साथ गड़बड़ी जरूर होता होगा, इसलिए मूल्यों में इस प्रकार के मूल्य रखे जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि 0.999 का मान जो है एक के बराबर होता है, एक से छोटा तो
नहीं होता है। और आपके क्या विचार हैं इस विषय पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गणित के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, गणित के जादुई वीडियो भी मिलेंगे जिसको देखिएगा, बड़े ही शानदार गणित के जादुई ट्रिक आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बगल में दो शानदार गणित के वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।